हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्वादिष्ट और पौष्टिक रागी का लड्डू। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप रागी का आटा, 1 कप पिसा हुआ ताज़ा नारियल, 1/2 कप मूंगफली का पाउडर, ड्राई फ्रूट्स में काजू बादाम और 4 चम्मच घी और 1 कप गुड़। पहले गैस पे बर्तन रखे, उसमें घी डाल दीजिए। घी गर्म होने के बाद उसमें कटा हुआ ड्राई फ्रूट डाल के उसको अच्छी तरह फ्राई कीजिए। फ्राई करके निकाल दीजिए। ड्राई फ्रूट्स निकालने के बाद बचा हुआ घी में रागी का आटा डाल के 3-4 मिनट के लिए भून लीजिए। उसके बाद उसमें पिसा हुआ नारियल डाल के और 3-4 मिनट अच्छी तरह भून लीजिए। दोनों अच्छी तरह भूनने के बाद एक बर्तन में निकाल के रख लीजिए। फिर एक बर्तन में गुड़ लीजिए, उसमें 1/4 कप पानी डाल के अच्छी तरह उबाल लीजिए। अच्छी तरह उबाल आने के बाद उसको बंद कीजिए और रागी का भुना हुआ आटा में मूंगफली का पाउडर, ड्राई फ्रूट्स डाल के अच्छी तरह मिक्स कीजिए। उसके बाद उसमें गुड़ का पानी डाल के अच्छी तरह मिक्स कीजिए। रागी के लड्डू सबके हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं। इसमें शक्कर भी नहीं डाला है। इसे डाइट करने वाले लोग भी खा सकते हैं। रोजाना एक बच्चे को दिया तो उसका हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं। इस आटे से आपके हिसाब से छोटे बड़े लड्डू बना लीजिए। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि मेरे नए रेसिपी आपको पहले मिले। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।